एक पुरुष और महिला में अंतर बताने वाले सबसे मुख्य संकेतों में से एक है छाती पर आते उभार, जिन्हें ब्रेस्ट यानी स्तन कहा जाता है। इनमें ताकत होती है एक जिंदगी को सींचने की, और सेक्स के दौरान भी स्तन बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन समय के साथ लोगों का ध्यान इनके काम पर कम और इनकी बनावट पर ज्यादा जाने लगा, स्पेशली ब्रेस्ट को बड़ा दिखाने के लिए। तो ऐसा क्यों है? महिलाएं अपने ब्रेस्ट को बड़ा क्यों चाहती हैं और पुरुष इनसे क्यों आकर्षित होते हैं? आइए इन पर बात करते हैं आज खुलकर। खुलकर और मैं हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपको बताती हूँ कि ब्रेस्ट की बनावट कैसी होती है और इसका काम क्या होता है। ब्रेस्ट फैटी टिश्यूज से बने होते हैं, जिन्हें एडिपोज कहा जाता है। इन्हीं पर ब्रेस्ट का साइज निर्भर करता है। ब्रेस्ट के अंदर 15 से 20 सेक्शन होते हैं, जिन्हें लोब कहा जाता है। ये किसी फूल की पंखड़ियों की तरह ब्रेस्ट में फैले रहते हैं। इनके अंदर अंगूर के समान छोटी छोटी थैलियां होती है, जिनमें दूध बनता है। इन्हें लोब्यूल्स कहा जाता है। दूध को निप्पल तक पहुंचाने का काम करते हैं दांत, जो कि हर लोब्यूल के छोर से जुड़े होते हैं। इसी तरह माँ अपने बच्चे का पेट भरती है। अब बात कर लेते हैं फीमेल ऑर्गेज्म में इनकी भूमिका की। सेक्स के दौरान ब्रेस्ट को छूने और स्टिमुलेट करने से ब्रेन को सिग्नल मिलता है, और वो ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन छोड़ने लगता है, जो आपके पार्टनर को नजदीकियों का एहसास करवाता है। बैक टू द स्टोरी। 40 देशों में की गई एक रिसर्च में पाया गया कि तकरीबन 71% महिलाएं अपने ब्रेस्ट के साइज से संतुष्ट नहीं थी। इनमें तकरीबन 47% महिलाएं बड़े और 23% महिलाएं छोटे स्तन चाहती थी। कुछ रिसर्चेस में ये भी बताया गया है कि मेल्स भी बड़े ब्रेस्ट पसंद करते हैं। तो आखिर बड़े ब्रेस्ट पसंद करने के पीछे कारण क्या है? कुछ कल्चर्स में महिलाओं के ब्रेस्ट का साइज उनके फर्टिलिटी सिंबल को दिखाता है। बताया जाता है कि महिलाएं जितनी भरी पूरी होंगी, उतनी ही परिवार का भरण पोषण करने में वो सक्षम होंगी। इसके अलावा कुछ साइकोलॉजिस्ट का ये भी मानना है कि बच्चा सबसे ज्यादा जिस अंग से माँ से जुड़ाव महसूस करता है, वो होते हैं स्तन, ब्रेस्ट, और इसी वजह से बड़े होने के बाद भी वो फीलिंग बनी रहती है। इसी के साथ ग्लैमर वर्ल्ड में भी कई सालों से बड़े ब्रेस्ट को सेक्सुअलाइज किया जाता रहा है, और नतीजा ये है कि ना केवल मेल्स बल्कि फीमेल्स भी बड़े ब्रेस्ट के साइज से ऑब्सेस्ड हो चुकी हैं। और इन सभी का फायदा उठाता है मार्केट, जो आपको ऐसे प्रोडक्ट परोसता है जिनका मकसद केवल और केवल मुनाफा कमाना होता है, जैसे कि कुछ क्रीम्स और तेल जो आपको बताते हैं कि 30 दिन के अंदर अंदर मन चाह आकार पाए। अरे ऐसे कैसे? मेरी फ्रेंड ने तो यूज किया था और उसको रिजल्ट मिले थे। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मुझ पे यकीन नहीं है तो डॉक्टर से सुन लीजिए। कोई भी तेल या क्रीम ब्रेस्ट का साइज नहीं बढ़ा सकता है, इस बात का कोई भी मेडिकल एविडेंस नहीं है। मसाज आपके ब्रेस्ट का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का काम करती है, उनको बड़ा करने का नहीं। इससे आपके ब्रेस्ट में कसावट जरूर आ सकती है, लेकिन उनका आकार किसी भी तरीके से बड़ा नहीं हो सकता। और हाँ, मसाज के लिए आपको किसी भी स्पेशल क्रीम या तेल की जरूरत नहीं होगी। डॉक्टर्स की माने तो ब्रेस्ट को बड़ा या छोटा करने का एक ही तरीका है, और वो है सर्जरी, जिसके भी कई सारे साइड इफेक्ट्स हैं। 1960 के बाद जब अमेरिका के दो प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर फ्रैंक गैरो और थॉमस क्रॉनिन ने सोचा कि ब्रेस्ट इम्प्लांट्स बनाए जाएं, ताकि महिलाओं के ब्रेस्ट को परफेक्ट दिखाया जा सके। ऐसे में इनकी मार्केटिंग करने के लिए उन्होंने ये बताया कि ब्रेस्ट का छोटा होना एक तरह की बीमारी है, जिसे माइक्रोमेस्टिया कहा जाता है। ये शब्द एक ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है छोटे ब्रेस्ट। तो यानी कि ये कोई बीमारी नहीं थी, सिर्फ एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद था। 1962 में टेक्सास की एक महिला ने ब्रेस्ट इम्प्लांट की पहली सर्जरी कराई। इसके बाद बार्बी डॉल से लेकर मॉडल्स की मदद से मार्केट में बड़े ब्रेस्ट को काफी ग्लैमराइज किया गया। लड़कियों पर परफेक्ट ब्रेस्ट का फितूर इस कदर चढ़ा कि इम्प्लांट्स फेमस हो गए। हालांकि इनकी कोई मेडिकल जांच नहीं हुई थी। शुरुआत में मिलने वाले कॉम्प्लीमेंट से वो महिलाएं खुश तो थी, लेकिन धीरे धीरे कई सारी महिलाओं को सिलिकॉन लीक होने की वजह से ऑटो इम्यून डिजीजेस होने लगी। ऑटो इम्यून डिजीजेस ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें बॉडी कंफ्यूज हो जाती है और फॉरेन सेल्स की जगह अपने ही सेल्स पर अटैक करके उन्हें खत्म करने लगती है। 1919 में ब्रेस्ट इम्प्लांट के लिए लोगों ने चिंता जाहिर की और मुकदमे दायर किए गए। इसके बाद इम्प्लांट्स को बैन कर दिया गया।
कुछ समय बाद कई सारे कड़े नियमों के साथ बैन को हटा दिया गया, लेकिन पैसों के लिए महिलाओं के जीवन से खेलने वाली कंपनियां फिर भी नहीं मानी। 2001 से 2010 तक पीआईपी नाम की एक कंपनी ने अवैध रूप से सैकड़ों हजारों ब्रेस्ट इम्प्लांट्स पूरी दुनिया भर में बेचे। इनमें घटिया किस्म का सिलिकॉन यूज किया गया था, जिनमें लीकेज होने का खतरा 500% ज्यादा था, और नतीजा ये हुआ कि कई सारी महिलाओं को अपने ब्रेस्ट इम्प्लांट्स को हटवाना पड़ा, कई सारे को कैंसर हुआ और कई महिलाओं को तो अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। हालांकि समय के साथ ये ब्रेस्ट इम्प्लांट्स इम्प्रूव हुए हैं, लेकिन अब तक इनके 100% सेफ होने की गारंटी नहीं दी जा सकती। 2021 में यूएस एफडीए ने नई गाइडलाइंस में इस बात को स्पष्ट किया कि हर मरीज को इसके रिस्क और साइड इफेक्ट की जानकारी होनी जरूरी है, इसलिए इसे बॉक्स पर लिखा जाए और लिखित में उनसे सहमति ली जाए। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि इंडिया में ब्रेस्ट इम्प्लांट्स? तो जी हाँ, इंडिया में भी ब्रेस्ट इम्प्लांट्स होते हैं। हालांकि ये आंकड़े यूएस जैसे बड़े तो नहीं है, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो इतना सारा रिस्क लेने के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, और वो है ब्रेस्ट की परफेक्ट शेप। लेकिन सही मायने में ब्रेस्ट की ना तो कोई परफेक्ट शेप होती है और ना ही कोई परफेक्ट साइज। इनफैक्ट दोनों ब्रेस्ट के बीच में डिफरेंस होना भी बिल्कुल नॉर्मल है, और इस जानकारी से अनजान ना केवल मेल्स बल्कि फीमेल्स भी दूसरी फीमेल्स का मजाक बनाने से बाज नहीं आते। बड़ी आसानी से कह दिया जाता है कि अरे वो तो फ्लैट स्क्रीन है। मेरे हिसाब से कोई महिला ब्रेस्ट के छोटे होने या फिर किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से ब्रेस्ट ना होने पर अगर अजीब महसूस करती है, तो वो केवल इसलिए क्योंकि हम उन्हें अजीब महसूस करवाते हैं। दोस्तों, हम सबकी बनावट अलग अलग होती है, और यही हमें एक दूसरे से जुदा और खास बनाता है। लेकिन पता नहीं क्यों लोगों को हमें परफेक्ट देखना पसंद होता है, और इन लोगों में हमारे करीबी भी शामिल होते हैं, जैसे कि हमारे दोस्त, हमारा पार्टनर या फिर हमारी माँ। हमारे पास ऐसी कई माएं आती हैं अपनी बेटियों को लेके, जो इस बात से चिंतित हैं कि उनकी बेटी की शादी कैसे होगी, क्योंकि उनके ब्रेस्ट का साइज छोटा है। ये एक पूरी तरह से मिथ है कि ब्रेस्ट बड़े होने से सेक्स बेहतर होता है या ब्रेस्ट फीडिंग में ज्यादा आसानी होती है। ऐसी कितनी सारी मॉडल्स हैं जिनका ब्रेस्ट का साइज छोटा है, लेकिन वो कितनी अट्रैक्टिव है। एक बात का जरूर ध्यान रखें, पीरियड्स के पहले या प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट का साइज और शेप बदल सकता है, लेकिन अगर कोई मेजर चेंज हो, जैसे कि ब्रेस्ट में गठान या लंप आपको फील हो रहा है, तो अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। दोस्तों, किसी भी बॉडी पार्ट की साइज और शेप से कहीं ज्यादा मैटर करता है कि वो हेल्दी रहे, ताकि आप हेल्दी रहे। तो अगली दफा अगर आपके ब्रेस्ट पर कोई कॉमेंट करता है, तो उससे बात करें कॉन्फिडेंस के साथ और खुलकर। एक और बात, अगर कोई महिला कॉमेंट करती है, अपनी किसी बात को रखती है, तो प्लीज हाय बोलकर या फिर अपने स्पेशल ओपिनियन देकर उन्हें भगाइए मत। प्लीज उन्हें अपना ओपिनियन और अपने सवाल रखने दीजिए। ये वीडियो उन्हीं के लिए बनाया जा रहे हैं, ताकि वो इस बारे में खुलकर बात कर सके। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और थोड़ा बहुत ही सही लेकिन आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, सेक्सुअल अवेयरनेस को बढ़ाएं। एक कदम हम ले चुके हैं, और आगे के कदम लेने में हमें आपका साथ चाहिए। मैं प्रीति, और अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।